वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ये वैगनआर का जो साइड मिरर है वो लूज़ हो गया है। जब भी हम कार चलाते हैं 60-70 के अप जाते हैं तो अपने आप घूम जाता है, तो इसका सेटिंग कैसे करें वो इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। ये नॉन मोटराइज ग्लास है सादा वाला, तो इसको हम सेट कैसे करते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँगा। तो इसके लिए हमको ये इसका कवर जो है वो खोलना होता है, एकदम सिंपल होता है। जो स्क्रू ड्राइवर है, स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से आप इसको कवर को ओपन कर सकते हो। इस तरीके से आपको कवर को ओपन कर लेना है। ये प्रेस फिट वाला होता है तो आसानी से निकल जाता है इस तरीके से। फ्रेंड्स अगर हमारी चैनल पे आपने दूसरी वीडियो जो वैगनआर पे है वो नहीं देखी तो आप ज़रूर जाके वहाँ पे देखिए, क्योंकि ये घर पे आप रिपेयर कर सकते हो। ऐसी हमने बेसिक वीडियो इसमें डाल रखी है जो आपको हेल्पफुल हो सकती है। तो हमने ये कवर निकाल लिया है, तो आप नीचे में देख सकते हो कि एक नट और एक स्टड जैसा ये दिख रहा है आपको, बस इसको हमको सेट करना है। तो ये जंग लग चुका है, ये जंकी हो गया है, इसमें कोरोजन हुआ है तो ये आसानी से टाइट नहीं होगा। तो हम इसके लिए ये WD स्प्रे वहाँ पर स्प्रे कर देंगे। दोस्तों ये WD-40 स्प्रे हमारे बहुत काम में आता है, हमारे हर एक घरेलू काम में ये यूज़ होता है, तो हमको ये रखना चाहिए। इस तरीके से हमको स्प्रे कर लेना है और थोड़ी देर वेट कर लेना है, और थोड़ी देर वेट करने के बाद हम इसे नीचे से जो नट दिख रहा था वो नट को हम 10 नंबर के स्पैनर से टाइट करेंगे। ये हमारा 10 नंबर का बॉक्स स्पैनर है, इससे हम ये जो नट है नट को हम टाइट करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम इसको नट को टाइट करेंगे। तो आपको ऊपर ग्लास को घुमा के चेक करना है कि वो हार्ड हुआ कि नहीं। आपको लगे कि इतना ठीक है तब आपको इसको रहना। ये देखिए थोड़ा लूज था, थोड़ा टाइट हुआ है। इस तरीके से ग्लास हम घर पे सेट कर सकते हैं। तो जब तक हमको जितना चाहिए उतना हार्ड हम ये नीचे की नट से कर सकते हैं। फ्रेंड इसके लिए आपको ग्लास को बदलने की ज़रूरत नहीं है, जब वो लूज़ हो गया है तो इस तरीके से आप उसको ठीक कर सकते हो, ये देखिए। और फ्रेंड्स हमारी चैनल पे मैंने बताया जो कि हम बेसिक वैगनआर की सारी वीडियो, यहाँ पे बहुत सारी वीडियो अपलोड मैंने की हुई है, तो आप उसे ज़रूर देखिए। तो इस तरीके से फिर ये कवर को हमको लगा देना है, एकदम इजी होता है, आप घर पे 3 या 5 मिनट में कर सकते हो इसको। और इस तरह से उसको प्रेस कर देना है, ये आपका ग्लास टाइट हो गया और अब आप इसको यूज़ कर सकते हो। आपकी गाड़ी 80, 90, 100 के ऊपर जाएगी तब भी ये ग्लास ऑटोमेटिक घूमेगा नहीं। कि क्या होता है कि जो हम ज़्यादा स्पीड में जाते हैं तो विंड्स प्रेशर की वजह से ये घूम जाता है, तो हमको ये थोड़ा टाइट करना होता है। आई होप यू गेट आइडिया फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।